के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया है। झांसी से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, चचेरे भाई अजय ने सुल्तान सिंह को मुखाग्नि दी है। सुल्तान सिंह कल वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। चचेरे भाई ने शहीद जवान को मुखाग्नि दी है। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं जहां शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। चचेरे भाई अजय ने सुल्तान सिंह को मुखाग्नि दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की झांसी से बता रहे हैं जहां शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शहीद जवान का कर दिया गया है। सुल्तान सिंह कल अपराधी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की को गिरफ्तार करने गए थे। उस दौरान अपराधियों की तरफ से हमले में सुल्तान सिंह शहीद हो गए थे, जिनका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। और कुलदीप अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुलदीप, सुल्तान सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कुलदीप, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? उनको झांसी देर रात उनका पार्थिव शरीर लाया गया। झांसी के सीपरी क्षेत्र के भोजला गांव में उनके पार्थिव शरीर को वहां पर रखा गया, जहां पर पूरा का पूरा गांव वहां पर उमड़ पड़ा था उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। जी, आईजी सुभाष सिंह बघेल, डीएम आंध्रा बामसी, एसएसपी डी प्रदीप कुमार, बमीना विधायक राय शेख पारीछा, एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव, एसपी देहात राहुल बुधाक, इनके अलावा कई अधिकारी, कई सिपाही वहां मौजूद थे। पूरा गांव वहां मौजूद था और सभी लोग अपने उस जवान के अंतिम दर्शन के लिए नालायक थे, जिसकी शहादत कानपुर में हुई है। जी, और सभी लोग इस बात को लेके काफी दुखी हैं, इस बात को लेके कि इस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया। वो एक अपराधी को पकड़ने गए हुए थे। मैं बता दूं आपको कि साल 2006 में सुल्तान सिंह की पोस्टिंग, सुल्तान सिंह पुलिस विभाग में आए थे, उनकी पहली पोस्टिंग औरैया में हुई थी और उसके बाद कानपुर में वो रहते थे। कानपुर में अकेले ही रहते थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी औरई में रहते थे और 24 जून को आखिरी बार सुल्तान अपने परिवार से मिले थे। 23 जून को सुल्तान अपने झांसी अपने एक रिश्तेदार की यहाँ पे एक मृत्यु के बाद स्थापन होने के लिए आए थे। 24 जून को वो दिन भर रुके थे और उसके बाद औरई जाकर उन्होंने अपनी अंतिम बार अपनी बेटी से मुलाकात की थी। कोई भी नहीं जानता था कि ये पिता और पुत्री की अंतिम मुलाकात है। जैसे ही ये खबर झांसी पहुंची के सुल्तान सिंह के ऊपर ये हमला हुआ है, वो उनके 8 सिपाहियों 7 सिपाहियों और सीओ के साथ उनकी हत्या कर दी गई है। जी, शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। झांसी से आपको खबर बता रहे हैं जहां सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। चचेरे भाई ने शहीद जवान को मुखाग्नि दी है। सुल्तान सिंह कल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।